अर्पिता मुखर्जी कौन है जिनके घर में निकले 20 करोड़ रुपए, भूसे की तरह भरे थे नोट, गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी। अभिनेत्री अर्पिता का ममता सरकार के मंत्री पार्थ से क्या रिश्ता है? ममता सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले पार्थ चटर्जी क्यों हुए गिरफ्तार? बंगाल में कैसे हुआ करोड़ों का खेल जिसकी आंच ममता सरकार तक पहुंच गए? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उबाल आया है। ममता बनर्जी कैबिनेट में कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पार्थ पर शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप है। शुक्रवार को ईडी की टीम ने पार्थ के घर समेत 13 जगहों पर छापेमारी की थी। इसी छापेमारी में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए मिले। ईडी के अधिकारियों ने 500 और 2000 के नोटों को गिनने के लिए काउंटिंग मशीनें लगा ली थी। इसके बाद इन नोटों को गिना गया। अर्पिता मुखर्जी के पास ये पैसा कहां से आया और पार्थ से उनका क्या रिश्ता है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं अर्पिता मुखर्जी कौन है। अर्पिता मुखर्जी बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती है। वो एक एक्ट्रेस और मॉडल भी है। अर्पिता ने ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्मों में काम किया है। वो कई तमिल फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। वो बीते कई सालों से साउथ कोलकाता के एक आलीशान फ्लैट में रहती है। अब ईडी की रेड में उनके घर से 20 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। उनके घर में नोट ऐसे भरे हुए थे जैसे भूसा भरा हो, जिन्हें गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी। इस छापेमारी में नोटों के ढेर के अलावा 20 से ज्यादा मोबाइल फोन भी बरामद हुए। ईडी इस बात की जाँच कर रही है कि आखिर इन फोन का इस्तेमाल कौन और क्यों कर रहा था। कोलकाता की बहला पश्चिम सीट से 5 बार के विधायक पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी की सरकार में नंबर दो की हैसियत रखते हैं। उनके पास वाणिज्य, उद्योग, संसदीय कार्य समेत कई मंत्रालयों का प्रभार है। चटर्जी 2011 से कैबिनेट मंत्री हैं। बांग्ला फिल्मों में कभी साइड रोल करने वाली अर्पिता मुखर्जी उनकी करीबी है। पार्थ के लिए उन्होंने प्रचार भी किया था। कई बार वो उनके साथ देखी जाती है। अब सवाल ये है उनके पास पैसा कहाँ से आया। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए दो कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने पार्थ से 25 अप्रैल और 18 मई को पूछताछ की थी, क्योंकि वो 2014 से लेकर 2021 तक बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। इसी के बाद मामले में ईडी की एंट्री हो गई। शुक्रवार को ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहां छापेमारी की। ईडी को अर्पिता के बारे में पहले ही जानकारी मिली हुई थी। इसके बाद ईडी ने अर्पिता के घर में छिपे खजाने का पर्दाफाश किया। अब इसमें पूरी ममता सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।